हे इंग्लिश लर्नर्स आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन टैग्स के बारे में जिसे हम स्पोकन इंग्लिश का लड्डू भी बोल सकते हैं क्यों क्योंकि एक्चुअल में इसे सीखना बड़ा मज़ेदार है और लड्डू खाने में मज़ेदार होता है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इसको सीखते हैं क्वेश्चन टैक्स जब ऑलरेडी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना लेते हैं तो फिर ये क्वेश्चन टैक्स की जरूरत क्यों पड़ती है एक्चुअल में ये सिर्फ एक टैग है अपने आप में कम्प्लीट क्वेश्चन नहीं है यानी कि जब हम किसी से कोई कन्फर्मेशन लेते हैं तो इस टैग का यूज करते हैं नॉट आस्किंग क्वेश्चन क्वेश्चन पूछने के लिए इसका कभी यूज नहीं होगा और ना ही ये उसके साथ लगेगा इसे समझने के लिए कुछ हिंदी वाक्य देखते हैं तब समझ में आ जाएगा कि ये है क्या आज बहुत गर्मी है है ना तुम्हारे मन में कुछ और है, है कि नहीं तो इस टाइप के वाक्य जब हम कई बार बोल देते हैं है ना है कि नहीं एक्चुअल में क्या आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं बिल्कुल भी नहीं एक कन्फर्मेशन ले रहे हैं कि ऐसा है क्या अब यही कन्फर्मेशन इंग्लिश में कहा जाता है क्वेश्चन टैग स्पोकन में इसका यूज़ होता है और यूज़ आपको देखने को मिलेगा डायलॉग राइटिंग में कह सकते हैं टोटली यूज़ इसका है इनफॉर्मल फॉर्मली हम इसका यूज़ नहीं करते ऑब्वियसली आप इंटरव्यू में जाकर ये नहीं कहेंगे कि है ना है कि नहीं अब इसका फॉर्मेशन क्या है इसको हम यूज़ कैसे करेंगे तो इसके कुछ रूल हैं एक हमारा स्टेटमेंट होगा जिसके बाद हम कॉमा लगाएंगे फिर लिखेंगे क्वेश्चन टैग और क्वेश्चन मार्क हम लास्ट में लगाएंगे लेकिन स्टेटमेंट अगर आपका पॉजिटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग हो जाएगा नेगेटिव अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हो जाएगा पॉजिटिव है ना कितना सिंपल अब करना क्या है स्टेटमेंट की ही हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को लेकर हम क्वेश्चन टैग बना देंगे और पॉजिटिव और नेगेटिव आप खुद ध्यान रखेंगे इस बात का बट पॉइंट टू बी नोटेड कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो नेगेटिव होते हैं जैसे हार्डली स्केयर्सली बेयरली सेल्डम नन नो बडी नीदर नथिंग ये वर्ड तो क्लियरली दिख रहे हैं कि ये नेगेटिव हैं तो क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव ही बनेगा लेकिन हार्डली स्केयर्सली बेयरली सेल्डम कुछ लोग नहीं जानते कि वर्ड्स नेगेटिव ही काउंट होते हैं मैंने अपनी वीडियोज़ में भी बताया है तो इनके साथ सेंटेंस में नॉट भी नहीं होता अब क्वेश्चन टैग लगेगा तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव लगेगा क्लियर इस बात का ध्यान रखना है चलिए एग्जाम्पल है फादर इज अ डॉक्टर पॉजिटिव स्टेटमेंट है हिज फादर इज नॉट अ डॉक्टर ये नेगेटिव स्टेटमेंट है पॉजिटिव स्टेटमेंट है नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगेगा इजेंट ही इज नॉट का कॉन्ट्रेक्शन इजेंट अब दूसरा है नेगेटिव स्टेटमेंट तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग होगा इज ही ही हिज फादर के लिए आया है थर्ड पर्सन है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगी है ज़रा मेरी वॉइस के इंटोनेशन पर ध्यान दीजिएगा यानी उतार चढ़ाव पर हिज फादर इज अ डॉक्टर इज इंट ही हिज फादर इज अ डॉक्टर इज इंट ही एक बार मेरी वॉइस फॉल कर रही है और सेकेंड टाइम में मेरी वॉइस राइज कर रही है बस इसी को इंटोनेशन बोलते हैं वॉइस का उतार चढ़ाव स्पोकन का पार्ट है इससे पता लगता है कि आपका कन्फर्मेशन कितना स्ट्रांग है आगे देखिए यू लाइक आइसक्रीम पॉजिटिव स्टेटमेंट डोंट यू अब डोंट यू हमने क्यों लगाया है क्योंकि एक इनडेफिनेट टेंस है और नेगेटिव में हम डू नॉट डज नॉट या डिड नॉट का यूज़ करते हैं यू डोंट लाइक आइसक्रीम डू यू तो इस तरीके से बस आप हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखिए डू यू लाइक आइसक्रीम पॉजिटिव दिख रहा है तो आप क्या करेंगे आप नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगाएंगे डोंट यू रुक जाइए ये एक क्वेश्चन है डू यू लाइक आइसक्रीम हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं और क्वेश्चन का क्वेश्चन टैग नहीं बनता है क्योंकि जब हम ऑलरेडी पूछ रहे हैं तो वहाँ कन्फर्मेशन की क्या जरूरत है तो क्वेश्चन का क्वेश्चन टैग नहीं बनता है ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा ध्यान रखिएगा एक्सेप्शंस आई एम आई एम का क्वेश्चन टैग बनता है आर नॉट का कॉन्ट्रेक्शन यानी कि आंट आई आंट आई बट आई एम नॉट है तब उसका एम आई पॉजिटिव क्वेश्चन टैग यही रहेगा नथिंग नथिंग के लिए हम यूज करते हैं इट का इज इट क्योंकि नथिंग नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ही रहेगा उसी तरीके से नो बडी नो बडी भी एक नेगेटिव है तो उसके लिए क्वेश्चन टैग पॉजिटिव रहेगा वहाँ प्रोनाउन आप यूज करेंगे दे का शी इज हेयर शी इज नॉट हेयर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव स्टेटमेंट है लगाइए क्वेश्चन टैग शी इज हेयर इज इंटीज नॉट हेयर इज शी नेक्स्ट अटेंडिंग द मीटिंग अब इसी का एक नेगेटिव स्टेटमेंट लेते हैं श्रेया बी अटेंडिंग द मीटिंग विल नॉट का कॉन्ट्रेक्शन वोंट बनाइए पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ नेगेटिव क्वेश्चन टैग वॉन्ट शी विल शी क्लियर है आई होप कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा आपको बस हमें हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान देना बस हेल्पिंग वर्ब लेनी है उसके साथ सब्जेक्ट आई एम लुकिंग गुड अब आई आ गया आई के साथ एम सेकेंड है आई एम नॉट लुकिंग गुड अब आई एम का जब नेगेटिव बनेंगे तो आंट आई आई एम नॉट लुकिंग गुड एम आई ओके नो बडी हैज़ कॉल्ड फॉर मी मुझे किसी ने नहीं बुलाया नो बडी हैज़ नॉट कॉल्ड फॉर मी क्या ये सेंटेंस सही है गलत है क्योंकि नो बडी नेगेटिव है और नेगेटिव के साथ नॉट नहीं आता है पहली गलती चलिए अब उसका पॉजिटिव टैग लगेगा हैव दे नो बडी हैज कॉल्ड फॉर मी हैव दे मुझे किसी ने नहीं बुलाया है ना नो बडी इज गोइंग टू स्कूल कोई स्कूल नहीं जा रहा है आर दे नो बडी के साथ दे लगता है और उसके साथ फिर प्लुरल की ही हेल्पिंग वर्ब आएगी इस बात का ध्यान रखिएगा नो बडी वॉज वर्किंग स्टेटमेंट में सिंगुलर वर्ब आती है लेकिन जब टैग बनाते हैं तो वो दे बन जाता है नो बडी वॉज वर्किंग वर दे नथिंग इज वर्किंग और नथिंग के लिए अभी हमने क्या पढ़ा था इट का यूज करेंगे इज इट नथिंग वॉज वर्किंग वॉज इट चलिए और सेंटेंसेस देखते हैं वी आर गोइंग टू मॉल हम मॉल जा रहे हैं वी आर नॉट गोइंग टू मॉल हम मॉल नहीं जा रहे हैं वी आर गोइंग टू मॉल

आई डिडेंट टेल यू दैट मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई थी आई टोल्ड यू दैट डिडेंट आई आई डिडेंट टैल यू दैट डिड आई आई होप अभी तक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी नेक्स्ट देखिए दे हैव मैनी कार्स यहाँ पर हैव मेन वर्ड की तरह है सेकेंड सेंटेंस दे डोंट हैव मैनी कार्स उनके पास बहुत सी कारें नहीं हैं तो पहले सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्क क्या लेंगे यानी कि डोंट दे हैव मैनी कार्स डोंट दे दे डोंट हैव मैनी कार्स डू दे अब इसी हैव का यूज देखते हैं दूसरे सेंटेंस में दे हैव बॉट मैनी कार्स यहाँ पर हैव हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हुआ है दे हैव इंट बॉट मैनी कार्स उन्होंने बहुत सारी कारें खरीदी हैं उन्होंने बहुत सारी कारें नहीं खरीदी हैं हैव हेल्पिंग वर्ब है और बॉट यहाँ पर मेन वर्ब है दे हैव बॉट मैनी कार्स हैव इंट दे दे हैव इंट बॉट मैनी कार्स हैव दे नेक्स्ट आई हार्डली नो हिम हार्डली का आप जानते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट होता है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगेगा डू आई आई हार्डली नो हिम डू आई ही सेल्डम गोज देयर वो कभी कभार ही वहां जाता है डज ही अब देखिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे क्वेश्चन टैग में बनाते हैं बहुत इजी है जितने भी इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी कमांड ऑर्डर रिक्वेस्ट जो भी कर रहे हैं सबके लास्ट में लगा दीजिए विल यू Won't यू भी यूज होता है लेकिन ये थोड़ा रूड साउंड करता है आई विल प्रिफर आप यूज करें विल यू एक्सेप्शंस है लेट अस या लेट्स जो इसका कॉन्ट्रेक्शन है उसके साथ हमेशा यूज होगा शैल वी ओके शैल वी बस इतना ध्यान रखिए ओपन द डोर आँख मिचके के लगाइए विल यू Won't यू भी लगा सकते हैं एज आई टोल्ड ये थोड़ा सा रूड साउंड करता है जैसे कि खोलोगे नहीं क्या दरवाजा बताओ शट अप विल यू डोंट ओपन इट अब क्योंकि ये डोंट नेगेटिव है तब तो डायरेक्टली यहां पर विल यू ही लगेगा वॉन्ट का कोई ऑप्शन भी नहीं है यहाँ लेट हिम गो विल यू लेट्स गो होम अब यहाँ पे लेट्स यानी लेटेस है तो शैल वी यूज होगा लेट्स प्ले शैल वी आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी अगर समझ आ गई हैं तो अब आपके लिए है होमवर्क टोटल सिक्स स्टेटमेंट्स हैं जिनका क्वेश्चन टैग आपको बनाना है और कमेंट में मुझे दिखाना है ओके okay? और सभी कॉन्सेप्ट का एक एक स्टेटमेंट है प्लीज़ बनाइए प्रैक्टिस कीजिए लेट मी नो कि आपको कितना समझ आया दैट्स ऑल फॉर टुडे ये हमारी एक छोटी सी वीडियो थी ये था स्पोकन इंग्लिश का लड्डू इसे खाइए और खिलाइए स्पोकन इंग्लिश के मज़े लीजिए वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करते जाइएगा सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर न्यू है चैनल पर तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो जय हिंद जय भारत